मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल जीवन हरियाली यात्रा पर सहरसा पहुंचे। मुख्यमंत्री हवाई मार्ग से सहरसा के देवारी गांव पहुंचे। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया। यहां पहुंच उन्होंने रिबन काटकर विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री के आने की खुशी में जोरदार तैयारी की गई थी। चारों तरफ सजावट देखने लायक थी। कई दिनों से चली तैयारियों के बाद लोग काउंटर पर सुबह से मुख्यमंत्री के इंतजार में खड़े थे। हालांकि कई लोग मुख्यमंत्री के इस दौरे को सिर्फ जनजीवन हरियाली योजना की खानापूर्ति कह रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री के आने को लेकर कई विभिन्न योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन को लेकर चर्चा थी। लेकिन इस दौरान मुख्यमंत्री कुछ ही समय के बाद रवाना हो गए। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ जदयू के मधेपुरा से सांसद दिनेश चंद्र यादव समेत जदयू और भाजपा के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बेगूसराय में जल जीवन हरियाली यात्रा के तहत सीएम नीतीश कुमार साहेबपुर कमाल प्रखंड के सादपुर पूर्वी पंचायत पहुंचे। यहां पहुंच सीएम नीतीश कुमार ने पोखर जनाधार का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने पंचायत सरकार भवन और पैक्स भवन का निरीक्षण किया। जल जीवन हरियाली योजना से संबंधित कई योजनाओं पर अधिकारियों को निर्देश भी दिए। वहीं निरीक्षण के बाद सीएम नीतीश कुमार खगड़िया में आयोजित जल जीवन हरियाली यात्रा में भाग लेने के लिए रवाना हो गए। पंजाब केसरी टीवी के लिए सहरसा से रंजीत और बेगूसराय से संतोष की रिपोर्ट।